نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم معزز علماء کرام اور قائدین و کارکنان عظام جملہ خواتین و حضرات طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر میں اس مجلس میں دور دراز کے علاقوں میں جو سامعین اور سامعات ہیں ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کو اس مبارک معراج النبی کی رات کی اس مجلس میں جسمانی طور پہ شریک ہونا یا سماعی طور پہ سمعی اور بصری طور پہ شریک ہونا اس پر مبارکباد دیتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اتفاق ہے کہ ان دنوں میں میں یہاں تھا تو مجھے بھی آپ کے ساتھ اس مبارک رات کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی بلا تمہید چند متفرق باتیں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں بہت عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہے یعنی کسی محفل معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مرکز پر آپ کے ساتھ شریک ہونے کا اس موضوع پر ممکن ہے مجموعی طور پہ 100 سے زیادہ میرے خطابات ہوں گے مگر ہر خطاب میں نئے پہلوؤں اور نئی جہتوں پر گفتگو کی ہوگی آپ کے پاس وہ کتابی صورت میں بھی ہیں اور کیسٹس کی صورت میں بھی ہیں آج کچھ نئی چیزیں جیسے اگر ذہن میں جیسے جیسے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں یہ بات معروف ہے علماء بیان کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں اس سفر کے 3 مرحلے ہیں ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے جیسے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب برگزیدہ محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کی ایک تھوڑی سی کڑی میں یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ مرحلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کا انکار بولیے کفر ہے نص صریح سے ثابت ہے
इसमें तावील की गुंजाइश नहीं है। दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से फौक़ समावात, आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक, अर्श तक, फिर उससे ऊपर, इसको फौक़ समावात कह देते हैं, या इला सिदरतुल मुंतहा इलल अर्शिल मुअल्ला। तो मस्जिद अक्सा से आसमानी कायनात और बालाई कायनात की आखिरी मंजिल तक, ये अहदीस सहिया से साबित है, अहदीस सहिया से साबित है। और उन अहदीस सहिया में और रिवायात में इतनी कसरत है, कसरत तोरुक है, कि वो हद तवातुर को पहुंचती है, मानवी तौर पर हद तवातुर को पहुंचती है। इस दूसरे हिस्से का इनकार करना एतिकादी फिस्क है, गुमराही है। आदमी काफिर तो नहीं होता मगर गुमराह कहलाता है। क्या? गुमराह कहलाता है, एतिकादी तौर पे फासिक हो जाता है, ये दलाल है, गुमराही है। फिर फौक़ समावात का जो मरहला है, पहले हिस्से को मस्जिद हराम यानी मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा तक का जो पहला मरहला, इसको इसरा कहते हैं। इसलिए कुरान मजीद ने लफ्ज़ इसरा इस्तेमाल किया। जो दूसरा मरहला है मस्जिद अक्सा से जब आका अलैहिस्सलाम ऊपर तशरीफ़ ले जाते हैं, इसको मेराज कहते हैं। अरब दुनिया में इस रात को जब मनाते हैं, अरब दुनिया सारे मरहलों को वो भी मानती है, अकीदा रखती, मगर वहाँ जो मारूफ मुरव्वज और मुतदावल लफ्ज़ है वो शब इसरा है, वो इसको लैलतुल इसरा कह के मनाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अलावा इसके गिर्द व नवा के खित्तों में इसको लैलतुल मेराज कहते हैं, शब मेराज। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ ज़्यादा मारूफ है, अरब दुनिया में कुरानी लफ्ज़ है लैलतुल इसरा, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल और रिवाज ज़्यादा है। फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे, जहाँ बाज़ अहादीस में आता है कि सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी रुक गए और उससे आगे आका अलैहिस्सलाम के साथ शरीक सफ़र रहने की इस्तेदाद और सलाहियत और ताकत उनमें नहीं थी। वो जो उससे आगे का सफ़र है काबा कौसैन ओ अदना तक, जिसकी आखिरी मंजिल का कोई तायुन नहीं है, न वो जहनों में आ सकती, उसको बाज़ कुतुब में बाज़ उरफा ने, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बतौर ख़ास और कई और उरफा और औलिया ने एराज का नाम दिया है, एराज का एक तीसरे मरहले को एक तीसरा नाम बाज बुजुर्गों ने दे दिया। वरना दूसरे मरहले को सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तक काबा कौसैन ओ अदना तक, मस्जिद अक्सा से लेके ऑनवर्ड सारे को मेराज भी कह सकते हैं। अगर यूं कहें तो उनवान दो बन जाएंगे, इसरा और मेराज। और अगर तीनों मरहलों को अलग अलग टर्म उनवान दें तो फिर इसरा मेराज और एराज का नाम दे दें। उस हिस्से का इनकार करना, उस हिस्से का इनकार करना हक और सवाब से हट जाना है, यानी हक और सवाब से महरूम होना है। मगर उस हिस्से के इनकार करने से न बंदा काफिर होता है और न सरी गुमराह होता है। आप समझे हैं बात को? ये बात मैंने इसलिए समझाई कि हमारे यहाँ एक ही बात सिक्के बंद होती है और एक ही ठप्पा हाथ में होता है, वो हर जगह लगाते जाते हैं, तफरीक नहीं करते। इल्म
तफरीक करने, हसब मरतबा तफरीक करने और हर चीज़ की तफसील करने का नाम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस हिस्से के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है, किस हिस्से के इनकार से बंदा दाल और गुमराह हो जाता है, और किस हिस्से के इनकार से बंदा सवाब से महरूम होता है। सवाब स्वाद के साथ, अजर व सवाब के माना में नहीं, यानी सेहत, सेहत अकीदा या अकीदे में खैर का पहलू, उससे महरूम होता है। ये जो अब तक गुफ्तगु मैंने की ये मारूफ है, इसको आपने कई बार सुना है, पढ़ा है, बेशतर लोग जानते हैं जो इल्मी शगफ रखते हैं। जो इतना नहीं जानते तो उन्हें मालूम हो गया। अब यहाँ से जो आगे आज की नशिस्त के लिए खुसूसी चंद बातें करना चाहता हूँ वो ये कि यूँ तो सारा सफ़र मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म मअर्रूह के साथ, जसद मअर्रूह, यानी सारा सफ़र मेराज जिस्मानी है, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन ओ अदना तक, सारा सफ़र तीनों मरहलों पर मुश्तमिल, सारा सफ़र जिस्मानी और रूहानी मुश्तरका है, यानी जिस्म अकदस के साथ है। इस पूरे सफ़र का कोई एक मरहला भी ऐसा नहीं जो सिर्फ आपकी रूह मुबारक ने किया हो और जिस्म अकदस साथ ना हो। अब बात समझ गए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ से आज की मजलिस का हिस्सा शुरू हो जाएगा। इस पूरे सफ़र का कोई एक मरहला भी ऐसा नहीं है जहाँ आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अकदस और आपकी रूह मुबारक दोनों इकट्ठे न हों। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा जिस्म अकदस के साथ आपने सफ़र फरमाया, कुछ हिस्सा जिस्म अकदस रह गया और रूह मुबारक के साथ सफ़र किया, ये तफरीक नहीं हुई। अब इसकी वजह समझाता हूँ। उलमा ने इन चीज़ों पर लिखा है, अकाबिर उलमा ने, आइम्मा ने, मैं आपको सादा तरीके से इसकी बुनियादी, इसका जो सिर है, राज है, इसकी हकीकत और हिकमत समझाता हूँ। मैं ये पहली दलील समझाना चाहता हूँ कि आप सारे सफ़र को कुछ हिस्सा जिस्म के साथ और कुछ हिस्सा रूह के साथ इस तौर पे तकसीम नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते। या सारा सफ़र जिस्म के साथ मानना होगा या सारा सफ़र बग़ैर जिस्म के सिर्फ रूहानी तौर पर रूह का मानना होगा। इकट्ठा नहीं चला सकते कि इतनी जगह से अब ये मैंने कहा ये आज की नशिस्त का हिस्सा है जो नया होगा, जो इस अंदाज से पहले बयान नहीं किया होगा। थीम तो कभी बदलता नहीं है, एक ही होता है, मगर ये चीज़ें नई तरीके से आपको समझ में आएंगी। मैं दोहरा रहा हूँ कि आप इस सफ़र को कुछ मेराज और आपका इसरा माल जसद फ़कत और कुछ हिस्सा है सफ़र मअर्रूह फ़कत बिला जसद बग़ैर जिस्म के, इस तरह इस सफ़र के हिस्से और टुकड़े नहीं कर सकते। या सारा सफ़र जिस्म और रूह का इकट्ठा जिस्म के साथ मानना होगा या सारा सफ़र जिस्म के बग़ैर फ़कत रूह का मानना होगा। बैन बैन की सूरत मुमकिन नहीं। कोई यूं कह सकता है कि क्या हर्ज है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र को जिस्म से मान लें
और ऊपर का हिस्सा सिर्फ रूह का मान लें। कोई ये कह सकता है, और हम भी इसको बात समझने समझाने की गरज से एक लम्हे के लिए अपने पास रखते हैं और इस पर गौर करते हैं। अगर कोई कहे कि सिर्फ रूह के साथ हुआ है, कोई कहे कि ये मेराज फकत रूहानी है, तो ये बात याद रख लें, रूहानी मेराज से मुराद जो लोग ऐसा कहते हैं वो मनामी मेराज होता है, ख्वाब की मेराज। रूहानी मेराज से मुराद यानी सोए और रात ख्वाब में मेराज किया, मनामी मेराज है, ख्वाब की मेराज, ये है रूहानी मेराज का माना। अगर आप रूहानी और मनामी मेराज मान लें तो ये मौजज़ा ही न रहा। अगर इस मौकिफ को मान लें तो ये मौजज़ा ही ना रहा, और मौजज़े का कुल्लियतन इनकार हो गया। और ये कुरान मजीद में अल्लाह पाक का फरमाना सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम, ये एक ऐसा अल्लाह का एक ऐसा दावा बन गया कि जिस दावे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और जिस दावे में कोई हकीकत ही नहीं थी, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। वो ज़ात ख्वाब में तो हज़ारों औलिया को ले जाती है, तो आका अलैहिस्सलाम की तख़सीस क्या हुई? ख्वाब में तो हज़ारों औलिया आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऐसे हो गुज़रे हैं और ऐसे होते हैं जिन्हें ख्वाब में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ख्वाब में और कभी आसमानों तक ये सफ़र कराया जाता है। कईयों ने किया है, कई अल्लाह के कई औलिया ने यह सफ़र किया है। और अगर वो ख्वाब ही का सफ़र है तो फिर तो आका अलैहिस्सलाम की तख़सीस न रही, और तख़सीस जब न रही तो मौजज़ा न रहा, जब मौजज़ा न रहा तो अल्लाह का कलाम गैर ज़रूरी बन गया और दावा बग़ैर बुनियाद के बन गया। तो ये न कुरान में इसका वरूद रेलिवेंट रहा, न सूरह अन्नजम वन नजम इज़ावा से आगे। वो कोई 16-17 आयतों का कोई रेलिवेंस ना रहा आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से। वो अलग बात है, इस बहस में नहीं पढ़ते कि उससे मुराद जिब्राइल अमीन को लेना है, मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये अल्लाह पाक को लेना है, थुम्मा दना फतदल्ला से मुराद आका अलैहिस्सलाम को और अल्लाह की ज़ात को लेना है, या आका अलैहिस्सलाम को और जिब्राइल अमीन की ज़ात को लेना है, फतदल्ला से मुराद किस को लेना है, फ़कान क़ाब कौसैन ओ अदना से मुराद किस को लेना है। बहस तो यही होती है ना उलमा में कि इस जगह इस लफ्ज़ से का इशारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है या इसका इशारा सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ है। भाई अल्लाह की तरफ हो या जिब्राइल अमीन की तरफ हो, अगर सब कुछ ख्वाब में हुआ है तो ये मौजज़ा ही नहीं है। ख्वाब आते रहते हैं, ख्वाब आम मोमिनीन मुसलमानों को भी आते हैं और सालेहीन को उससे बेहतर सादिक ख्वाब आते हैं सच्चे, फिर औलिया को उनसे अच्छे सच्चे ख्वाब आते हैं, फिर औलिया कामिलीन को सादिकीन को मुकर्रबीन को सिद्दीकीन को और सच्चे ख्वाब आते हैं। और सच्चे ख्वाबों में औलिया को अल्लाह की ज़ियारत भी होती है, जिब्राइल अमीन की ज़ियारत भी होती है, वो जिब्राइल अमीन के साथ सफ़र भी करते हैं, वो मस्जिद अक्सा भी जाते हैं, वो आसमानों पर भी जाते हैं, वो जन्नतों में भी जाते हैं, औलिया ख्वाब में हर जगह जाते हैं। अब अगर इसको मनामी और रूहानी मेराज ले लें तो ये तो मौजज़ा का इनकार हो गया, ये तो मौजज़ा का ही इनकार हो गया। और अल्लाह पाक जो इस तरह फरमा रहे हैं सुभान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात, कोई बड़ा काम हो तो तब अल्लाह उस बात को सुभान अल्लज़ी से शुरू करता है। आप भी सुभान अल्लाह कहते हैं ना, एक आम बात हो मसलन ये अगर मैं पानी पी लूँ तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, हर कोई पानी पीता है, इसमें सुभान अल्लाह की कौन सी बात है? आप समझ गए, अगर कोई खाना खा ले तो सुभान अल्लाह की कौन सी बात, किसी को नींद आ जाए उसमें ख्वाब आ जाए तो सुभान अल्लाह की कौन सी बात है? जो मुताबिक आदत हो
उस पे सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता, जो ज़िंदगी के आम तौर तरीकों और आदतों के मुताबिक हो उस पर आदमी सुभान अल्लाह नहीं कहता। सुभान अल्लाह उस पर कहते हैं जिस बात पर ताज्जुब हो, जो आदत के खिलाफ हो। इंसानी ताकत, आदत, सलाहियत, इस्तेदाद, कुव्वत उसको आम तौर पे ना पहुंच सकती हो, कोई अनोखा और निराला काम हो जो कोई और ना कर सकता हो और कोई कर दिखाए, उस पर इंसान ऐसे कलिमात तहसीन बोलता है सुभान अल्लाह। कारी साहब भी जब तिलावत करते हैं तो जब वो बड़े ख़ास अंदाज में ऊपर जाते हैं तो तब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब तक रूटीन में कोई पढ़ रहा होता है तो उस पे ताज्जुब के, तहसीन के ख़ास कलिमात वारिद नहीं होते। ये है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात, और पाक किस से? शक व शुबा और एतराज़ से पाक है, हर किस्म की कमज़ोरी और नक से पाक है। जो चीज़ तुम सोच नहीं सकते वो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कर दिखाई, तो फरमाया पाक है वो ज़ात सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो ये हुई कि अगर इसको मनामी और रूहानी ले लें, मनामी ले लें, समझ रहे, तो फिर तो मौजज़ा नहीं, फिर तो मौजज़ा नहीं। अब सेकंड स्टेप लेता हूँ, आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ऐसे बहस के लिए, बात को समझने समझाने के लिए एक दूसरा एंगल समझते हैं, ले लेते हैं कि कोई ये कहे जबकि ये बात किसी ने कही नहीं, ये भी बता दूं। एक इम्कान ले रहा हूँ, पॉसिबिलिटी, जबकि इस इम्कान और पॉसिबिलिटी को किसी ने, उलमा और आइम्मा में से किसी ने नहीं लिया। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जिसके जी में जो आए वो उगल मार देता है, तो चलो उसको भी एंटरटेन कर लेते हैं। कोई कहे कि ख्वाब तो नहीं था मगर जिस्म भी नहीं गया, फकत रूह गई, तो ये बेअकली की बात है। इसलिए कि ऐसा कहने वाला गोया ये कहना चाहता है कि एक वक्त उस रात ऐसा आया कि जिस्म अकदस आराम फरमा था और जिस्म से रूह निकल गई थी, यानी जब रूह निकल जाए तो उस कैफियत को मौत कहते हैं। तो आप मेराज का मौजू बयान करते हुए माज़ अल्लाह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर मौत वारिद कर रहे हैं कि रूह जिस्म से निकल गई, जब रूह निकल जाए खाली जिस्म रह जाए, इसी को मौत कहते हैं, इसी को। तो अगर जिस्म वहीं रहा और खाली रूह चली गई मेराज पर, तो ये तो मौत की कैफियत है, इस पर सुभान अल्लाह कैसे बना? सुभान अल्लाह जी इस पर कैसे बना? माज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये एक ऐसी बात है कि ये बजाय आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के, ये उसके बरक्स है। और फिर 1200 साल में आइम्मा, मुहद्दिसीन, उलमा, मुतकल्लिमीन, फुकहा और अकाबिर उसूल दीन और अकीदे के किसी ने ये बात नहीं कही कि जिस्म वहीं रहा मक्का मुजमा में जहाँ आप लेटे हुए थे और रूह उसमें से निकल गई और जिब्रील अमीन रूह को साथ लेके चल पड़े। क्या? रूह को साथ लेके चल पड़े और रूह गई ऊपर काबा कोसैन तक या सिदरतुल मुंतहा तक या मस्जिद अक्सा तक, समझ गए? तो ये नामाकूल बात होगी और ना ये अक़ल में आने वाली है ना नक़ल में आने वाली है, ये सरासर गलत, बेबुनियाद और नादानी की बात होगी। और फिर इस पर अगली बात ये कि अगर खाली रूह ने सफ़र करना था तो उसके लिए बुराक लाने की क्या ज़रूरत है? अगर रूह ने सफ़र करना हो तो घोड़े लाए जाते हैं रूह के लिए, रूह के लिए कोई घोड़े या कोई बुराक लाए, उसके लिए सवारी की क्या ज़रूरत है? रूह तो खुद उस बुराक से भी ज्यादा नूरानी है। ये जो बुराक लाया गया ये तो खुद इस बात का मैसेज है कि आका अलैहिस्सलाम जसद मुबारक समेत बनफ्से नफीस सफर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ये जो बुराक का जिक्र आया है वो खुद एक मैसेज है कि ये सफर ना ख्वाब का था ना खाली रूह का था, जिसमें पाक के साथ सवार हुए जैसे सवारी की जाती है। आप समझे बात को, जैसे सवारी की जाती। खुद बुराक इट्सेल्फ
इस बात की काफ़ी यो वाफी दलील है कि मनामी और रूहानी नहीं है, महज रूहानी नहीं है, मनामी तो है ही नहीं, मनामी तो है ही नहीं। और फिर अगर वापस आके आकल अलैहिस्सलाम ये फरमा दें और आपने फरमाया हो कि मैंने आज रात ख्वाब में मेराज किया है और ख्वाब में मस्जिद अक्सा पे गए हूँ, तो किसी को इतराज़ करने की ज़रूरत है? अबू जहल को इतराज़ करने की ज़रूरत है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक को तस्दीक करने की ज़रूरत है? कुफार व मुशरिकीन का इकट्ठ करने की कोई ज़रूरत है सैने काबा में इस बात पे कि इन्होंने दावा किया है कि आज मैंने ख्वाब में मेराज किया? तो इकट्ठ किस चीज़ का? हर कोई ख्वाब में कर सकता है, किसी का मेराज यहाँ तक, किसी का यहाँ तक, किसी का वहाँ तक, हर किसी की अपनी सलाहियत। तो इस पर तो एतराज़ ही नहीं बनता, इनकार भी नहीं बनता, तस्दीक भी नहीं बनती, तकजीब भी नहीं बनती। और फिर अहादीस में आता है कि वो इकट्ठे होकर आका अलैहिस्सलाम से सवाल करने लगे कि बताएं मस्जिद अक्सा में क्या है, रास्ते में क्या देखा? अगर किसी ने ख्वाब देखा हो तो ख्वाब बताए तो कोई उस इमारत की कड़ियाँ भी पूछता है उससे, उसकी खिड़कियाँ भी पूछता है, ख्वाब देखा हो तो उसकी कोई तफसीलात और अलामात भी पूछता है। अब भले सफ़र में भी कोई पूछता है कि किसी काफिले को देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ख्वाब अगर कोई बता दे मैंने ख्वाब देखा है तो उससे कोई सवाल करना बनता ही नहीं है। इससे साबित हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने भी सुबह जब बयान किया तो ख्वाब करके बयान नहीं फरमाया था, एक खरी जीते जागते मेराज की हकीकत को बयान किया था। तभी तो एक जलजला बपा हो गया कुफार में कि ये कैसी बात कर दी, एक ही रात में ये वहां से यहां कैसे होके आ गए। तो ख्वाब में तो होता रहता है। तो ये तो पहली बात की नफी हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात जो मैंने शुरू की थी तो मैंने कहा कि रुक जाते हैं, पहले इस हिस्से को थोड़ा देख लें, अब दूसरी बात लेते हैं। वो इम्कान अगर कोई कहे जो मैंने कहा ये भी माकूल नहीं है और मनकूल भी नहीं है, कोई ये कहे कि मक्का मजमा से बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा तक तो जिस्म के साथ हुआ, तो वहाँ मस्जिद अक्सा के बाद बाकी मेराज रूहानी है, रूह का है, जिस्म का नहीं। अब इस प्रेपोजिशन को ले लेते हैं, अगर कोई ये कहे तो उस पर सवाल बनता है, उससे पूछा जाएगा कि अगर मस्जिद अक्सा तक आपने माना कि जिस्म के साथ गए, ऊपर रूह के साथ गए, तो जिस्म कहाँ छोड़ गए? हरम काबा में छोड़ गए या उधर फलस्तीन में रह गया जिस्म अक्दस? तो ये बात गैर माकूल है और गैर मनकूल, यानी आप अगर तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा, मस्जिद अक्सा तक जिस्म के साथ गए तो वहाँ क्या हुआ कि फिर वहाँ से रूह अक्दस निकाल ली गई, जिस्म वहीं छोड़ दिया गया? अगर कहें कि जिस्म इधर ही रहा तो फिर तो मस्जिद अक्सा तक भी जिस्म के साथ नहीं गए, और अगर कहें वहाँ तक जिस्म के साथ गए ऊपर रूह के साथ तो जिस्म फिर वहाँ कहाँ छोड़ा, रूह कब पलटी, फिर जिस्म में कब आई, और उस अरसे में जिस्म जिंदा रहा या वफात पा गए? सारे सवाल जो मक्का मुअज्जमा में क्याम के दौरान वारिद होने थे वो सारे अल-कुद्स में वारिद हो गए। अब आप समझे, आपने वहां ले जाकर फिर जिस्म और रूह को जुदा कर दिया, तो जिस्म अकदस का क्या बना, रूह अकदस का क्या बना? तो ऊपर रूह अकदस को ले जाने की जरूरत क्या थी अगर जिस्म नहीं जा रहा? तो जिस्म अकदस वहां रहा या वहां से बुराक पर वापस आ गया? वो बुराक पर वापस आ गया तो रूह मुबारक किस चीज पर गई? अगर बुराक रूह ले गई ऊपर तो जिस्म वापस कैसे आया? आप बात को समझें। लिहाजा अगर आप इस मफरूजे को बना लें तो इसमें भी कोई जान अकल और शऊर और दलील नहीं है। तो मैंने अर्ज किया ना ये जवाज़ है कि मनामी ख्वाब में हुआ, ना इस अमर का जवाज़ है कि जिस्म वहीं रहा जिस्म अकदस और खाली रूह मेराज पर गई, इसका भी कोई जवाज़ नहीं, और ना इस अमर का जवाज़ है कि आधा सफ़र जिस्म रूह का इकट्ठा हुआ और वहाँ जिस्म अकदस रह गया और रूह मुबारक ऊपर चली गई,
इन तीनों इम्कानात में से कोई इम्कान काबिल कबूल नहीं बनता। यहां तक समझ गए आप? अब हम उसी पर आ जाते हैं जो असल जमहूर का मजहब है कि आकल सलातम का सारा सफर मेराज मस्जिद हराम से लेके काबा कौसैन ओ अदना तक वो जिस्म रूह के साथ इकट्ठा है, जिस्म अकदस के साथ गए, रूह मुबारक के साथ गए। अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि बुराक लाने की क्या ज़रूरत थी? बुराक लाने की क्या ज़रूरत है? तो इसके जवाब में एक बात पहले समझा चुका हूँ इशारतन, उसको रिपीट करता हूँ। एक ज़रूरत तो ये थी, यही साबित करने के लिए कि आका अलैहिस्सलाम का मेराज इसरा और मेराज जिस्म रूह के साथ इकट्ठा हो रहा है। सवारी इस बात की दलील है कि कोई सवार होकर जा रहा है, ये नहीं कि खाली ख्वाब में या रूह के साथ ऊपर सफ़र कर रहे हैं। बुराक इसलिए लाया कि साबित हो कि जिस्मानी मेराज हो रहा है, जिस्मानी मेराज हो रहा है। असबाब कई हैं, मैं सिर्फ इसी एक नुक्ते पर अगर बात शुरू कर लूं तो फिर हमारी सारी रात इसी एक नुक्ते पर गुजर जाएगी कि बुराक क्यों लाया गया। सारी रात इसी एक, हर चीज़ आगे पीछे छोड़ देंगे तो एक रात सिर्फ इस एक हिकमत के बयान के लिए भी काफ़ी नहीं है, इसमें दर्जनों हिकमतें और तौजीहात आती चली जाएंगी। मैं नहीं जाना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके अक्सर चीज़ों को, सारी तो नहीं कहता, अक्सर ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कवर करना चाहता हूँ। तो दूसरी हिकमत बयान करता हूँ कि बुराक क्यों लाया गया, इसलिए कि इस दुनिया से सफ़र फरमा रहे हैं, इस दुनिया से सफ़र शुरू हो रहा है तो असबाब, ये दुनिया आलम में असबाब है और हर कोई जो इस दुनिया में सफ़र करता है सवारी पर सफ़र करता है। लिहाजा इस दुनिया का जो आलम असबाब का जो तौर तरीका है उसको कायम रखने के लिए, ताकि दुनिया को पता हो कि असबाब के साथ सफ़र किया आका अलैहिस्सलाम को। अगर मेराज सफ़र ही आसमानों से होता तो शायद बुराक न लाया जाता। सफ़र चूँकि इस दुनिया आलम असबाब से हुआ है और हर कोई जब सफ़र करता है तो सवारी पर सफ़र करता है, सफ़र करता है तो सवारी पे सफ़र करता, इसलिए सवारी लाई गई ताकि आका अलैहिस्सलाम के सफ़र की जो हैअत है, सफ़र की जो शक्ल है वो आलम असबाब के तरीक़ों से मुताबिकत कर जाए, आलम असबाब के जो तौर तरीक़े हैं उनके साथ मुआफ़कत हो जाए और इसी से साबित हो कि वाकई जिस्मानी मेराज हो। तो आलम असबाब में जो असबाब, और तीसरी चीज़ ये कि उम्मत के लिए और बड़े बड़े औलिया के लिए भी, ये ख़ास बात अवाम से मुतल्लिक यह नुक्ता नहीं, उम्मत के औलिया के लिए जो बग़ैर सवारी के सफ़र कर सकें अपनी रूहानी ताकत की बुनियाद पर, उन्हें भी ये दर्स दे दिया जाए कि बग़ैर सवारी के उड़ते फिरने में बुलंद रुतबा नहीं, सवारी पर जाने में रुतबा बुलंद है। यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तदबीर को छोड़ना बुलंद मुकाम नहीं है, तदबीर की सुन्नत के मुताबिक चलना यह बुलंद रुतबा है। ताकि जो रूहानियत वाले लोग हैं, औलिया हैं, सालेहीन हैं, अल्लाह वाले और ईमान रखने वाले मोमिनीन, ईमान वाले मुसलमान, उनको मालूम हो जाए कि तदबीरों को और असबाब को छोड़कर परवाज करना और छोड़ पर आरजुएं रखना, तदबीर व असबाब को छोड़कर, ये सुन्नत मुहम्मदी के खिलाफ है। आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर तदबीर और सबब के बगैर सफर की ताकत और कौन रख सकता है कायनात? आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर तदबीर और सबब के बगैर कोई ताकत रख सकता है? आपसे भी ज्यादा या आप जितनी? कोई नहीं। फिर ले जाने वाले साथ जिब्राइल हैं, जिब्राइल साथ हो तो इससे बढ़कर भी फिर किसी और की ताकत हो सकती है? बेदून तदबीर बगैर सबब के जाएं और फिर अल्लाह फरमाए कि अल्लाह लेकर गया, अल्लाह की जात हो ले जाने वाली और फिर बगैर तदबीर के हो, अब बात को समझें। आका अलैहिस्सलाम खुद जाने वाले हों
तदबीर की हाजत है, तदबीर और सबब की मोहताजी है? बोलिए नहीं भाई। अगर तदबीर और सबब की मोहताजी होती तो जब चांद टुकड़े किया तो वहाँ कौन सी तदबीर इस्तेमाल थी? आका अलैहिस्सलाम को कौन सी मोहताजी है तदबीर और सबब की? अगर तदबीर और सबब के मोहताज होते तो जब डूबे सूरज को पलटाया तो कौन से रस्से बांधे हुए थे पलटाने के लिए? कौन सी तदबीर थी? जब दरख्तों को ज़मीन से बुला के तो जड़ों समेत खींच लिया, सजदा गेर हो गए। जब पत्थरों ने कलमा पढ़ा, मुर्दे जिंदा हो गए, उंगलियों से पानी फूट पड़ा, तो कौन सी तदबीरें थी वहाँ इस्तेमाल हुई? तो आका अलैहिस्सलाम के तो सैकड़ों मोजज़ात बग़ैर तदबीर के, बग़ैर तदबीर के कर सकते हैं। तो जो बिला तदबीर इतनी बड़ी ताकत जिनको अल्लाह ने अता की हो, वो सफ़र करते हुए अल्लाह की बारगाह की तरफ अगर तदबीर को ना छोड़ें और सबब को ना छोड़ें और सवार हो के जाएँ, तो आका की उम्मत में लोग तदबीर छोड़ने लगे तो ये कौन सी बड़ाई की बात होगी? इससे ये नुक्ता अख्ज़ करता हूँ, बुराक के की सवारी से अख्ज़ करता हूँ। जो बीमार लोग हैं वो इलाज नहीं करवाते, कहते हैं खाली दम से ठीक कर दें। तो दम बरकत का अमल है, उससे बरकत होगी, मगर इलाज की तदबीर को छोड़ना नहीं चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ है। मैं बुराक से अख्ज़ कर रहा हूँ ये नुक्ता, आपको समझ आई है? अपेरेंटली कोई समझेगा बुराक का और ये इलाज का क्या ताल्लुक है, नहीं, ये ताल्लुक आप समझ गए हैं। बहुत से लोग बेशुमार मामलात में तदबीर छोड़ देते हैं, जो सुन्नत है वो छोड़ देते हैं, और तदबीर से बाला बाला चाहते हैं सब कुछ हो जाए, ये भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, इम्तिहान में भी पास हो जाएं, इलाज भी हो जाए, शिफायाबी भी हो जाए, कारोबार भी शानदार, सारा काम तदबीर से बाला चाहते हैं। ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत। और जो कोई आपको ये रास्ता दिखाए वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। जो कोई आपको ऐसा रास्ता दिखाए, दावा करे, वो वलीउल्लाह और सालेह और मुत्तबे सुन्नत नहीं हो सकता। कमाल इत्तबाए सुन्नत में है। जो इत्तबाए सुन्नत में जितना बुलंद होता चला जाएगा, जितना बुलंद होता चला जाएगा, उसका मर्तबा विलायत उतना ऊंचा होता चला जाएगा। तो तदबीर और असबाब को तर्क करना सुन्नत नहीं है, असबाब को इस्तेमाल करना सुन्नत है। इस्तेमाल करना। अब आपका एक और मोजज़ा आका अलैहिस्सलाम का सुनाता हूँ, इसकी मिसाल को समझाने और तकवीयत देने के लिए। उस पर आपकी निगाह नहीं गई होगी, बयान भी नहीं अक्सर व बेशतर कभी नहीं हुआ होगा, मगर उस पर आपको मैं मरकूज़ कराता हूँ आपकी तवज्जो। आपने कसरत के साथ सुना, कसरत के साथ, कि आका अलैहिस्सलाम जब पानी ख़त्म हो गया हुदैबिया में, तो नहीं था तो 1500 सहाबा के वज़ू और गुस्ल के लिए पानी मुहैया कर दिया, उंगलियों से चश्मे बह पड़े। इस तरह दर्जनों मरतबा ये वाक़यात पेश आते, दर्जनों मरतबा, जब सहाबा कराम के लश्कर 10-10 हज़ार का लश्कर भी अगर प्यासा होता, वज़ू और गुस्ल का पानी ना होता, तो आका अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक उंगलियों से चश्मे पानी के निकाल के उनको सैराब कर देते। ये तो सुन रखा है ना, बोलिए, सुन रखा है। अब इसमें तदबीर, इसमें भी एक तदबीर हमेशा आका अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई सुन्नत के लिए, और वो क्या, ये देखिए, उंगलियों से कभी पानी फूटा? कभी किसी की उंगलियों से पानी का चश्मा फूट सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब अपनी उम्मत को, बनी इसराइल को पानी के चश्मे देने थे, तो अपनी उंगलियों से नहीं फोड़े वो चश्मे, ज़मीन में असा मारा, क्योंकि चश्मे ज़मीन से फूटा करते हैं, चश्मे ज़मीन ही से फूटते हैं, पत्थरों से फूटते हैं, ज़मीन से फूटते हैं। वो काम किया जो ज़ाहिरन हुआ करता है। मोजज़ा क्या था? वो चश्मा नहीं था, आपका असा लगा और चश्मा फूट पड़ा, ये मोजज़ा था। और आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था, 100 गुना ज़्यादा अजीम था। वहाँ चश्मे का फूटना
मोजज़ा था, मगर जमीन से फूटना आदत है। आका अलैहिस्सलाम ने चश्मे फोड़े मगर जमीन से नहीं, उंगलियों से फोड़े, उंगलियों से कभी चश्मे नहीं निकलते। ये गोश्त और पोस की उंगलियां हैं, इसमें से चश्मे कैसे निकले? अब बात को समझे, चश्मा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जारी किया, मगर वहां से जारी किया जहां से जारी होते हैं, ठीक है, उस जगह नहीं था, मगर होते जमीन से ही हैं। मगर आका अलैहिस्सलाम ने जमीन से चश्मे जारी नहीं किए, जब जरूरत पड़ी अपनी उंगलियों से जारी कर दिए। इंसानी जिस्म से कभी चश्मे नहीं निकलते, उंगलियों से कभी चश्मे नहीं फूटते। ये 100 गुना बड़ा मोजज़ा था। इसमें भी सुन्नत तदबीर जारी रखी। सुन्नत तदबीर, आप सोच रहे होंगे वो कैसे, सुन लें। ऐसा आका अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं किया कि जब पानी की ज़रूरत सहाबा किराम को पड़ी तो उनके सामने ऐसे हवा में उंगलियां कर दी हाथ, और उंगलियों से सीधे चश्मे जारी फरमा दी। हुआ इस तरह ही है, मगर इस तरीके से नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ती तो आप फरमाते, कोई बर्तन ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ, कोई कूज़ा ले आओ, कोई लोटा जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई छागल ले आओ, कोई कूज़ा ले आओ, कोई बर्तन मंगवाते उसमें कुछ पानी है, फरमाते ले आओ। अर्ज़ करते सहाबा कहम, या रसूलल्लाह एक बूंद भी नहीं रह गई। मशकीज़ा ले आओ, या रसूलल्लाह एक बंदे का पीने का भी नहीं रह गया, खाली हो गई। फरमाया कोई बात नहीं ले आओ, हत्ता के कुछ ना होता तो फरमाते के प्याला ही ले आओ। कोई बर्तन मंगवाते उस बर्तन में दस्त मुबारक हाथ डालते ताकि एक पर्दा हो जाए, ताकि एक पर्दा हो जाए, हाथ को छुपा देते और फिर चश्मे जारी कर देते, फिर चश्मे जारी कर देते। अब बात को समझे, ऐसे ना करते ताकि कोई जादू गरीबी ना समझे। वाह वाह, जादू गरीबी ना समझे और कोई सारा बिला तदबीर भी ना समझे। यानी वो जो थोड़ा सा पानी होता, एक कतरा, दो कतरे, दो बूंदे, उसमें हाथ डबो के दरिया बना देते, दरिया बना देते। किसी की खजूरें बढ़ा दी, तो ऐसा नहीं करते थे कि ऐसे जमीन पे खजूरों का अंबार लगा दिया ना। 2, 4, 5 खजूरें हैं छागल में, कह इसमें रख लो, हाथ डाल देते और कहते इसको खोलना नहीं, तुम्हारी नस्लें खाती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सैयदना उस्मान के जमाने तक 25 साल हमारी नस्लें खाती रहे और मैं भी खाता रहा, वरना एक दिन की खजूरें थी, एक दिन सुबह और शाम खाई जाती। तो हाथ डालकर पर्दा रखकर उसी को समंदर बना देते। तो ये तदबीर भी इख्तियार करते कि ताकि दो बूंद पानी भी है, चंद खजूरें भी हैं, उनको बढ़ा करते। तखलीक करते, तखलीक, मगर शक्ल तकसीर की रखते। यानी पैदा करते, पानी पैदा करते, मगर शक्ल ऐसी दिखाते जैसे ज्यादा फरमा रहे। समझ आई बात की आपको जी? तो ये बुराक से बात चली थी कि बुराक पर सफर इसलिए फरमाया ताकि सबब को इस्तेमाल करना, तदबीर को इस्तेमाल करना सुन्नत साबित हो जाए कि इससे बड़ा मोजज़ा क्या होगा। अल्लाह की बारगाह में जाना मेराज, इससे बड़ा तो कोई मोजज़ा नहीं है ना, ये आखिरी हद है। उस मोजज़े में भी आका अलैहिस्सलाम ने तदबीर की सूरत को और सबब को काटा नहीं है, बरकरार रखा। ये है बुराक। अब मैं दूसरी बात इसी में एक और कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम जिस्म अक़दस के साथ अपने पैकरे बशरियत के साथ तशरीफ ले गए, पहला पड़ाव देखते हैं वो मस्जिद अक्सा पे हुआ है, मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में पहला स्टे हुआ, स्टॉप ओवर हुआ है आका अलैहिस्सलाम। आप भी जब सफ़र करते हैं स्टॉप ओवर होता है ना, और एयरपोर्ट पर रुकते हैं और अगली फ्लाइट लेते हैं और ट्रांजिट पैसेंजर्स होते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने ट्रांजिट किया है मस्जिद अक्सा में, अल कुद्स में ट्रांजिट किया है, स्टॉप ओवर किया है, और ट्रांजिट करके आका अलैहिस्सलाम ने अगले सफ़र के लिए रवानगी की है। उस ट्रांजिट में जो ख़ास चीज़ हुई, ख़ास, वो ये कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम
सफ आरा हुए और आका अलैहिस्सलाम ने उनको जमात करवाई, इमामत करवाई। अब इस नुक्ते को समझाता हूँ, अब इस नुक्ते को समझाता हूँ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के मुक्तदी बने और आपने जमात अंबिया की जमात को इमामत फरमाई। अब देखने वाली बात यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब सफ में खड़े थे तमाम अंबिया, तो क्या वो अपने असली जिस्मों के साथ जिस्मानी तौर पे खड़े थे? बोलिए, अगर वो असली जिस्मों के साथ खड़े थे तो कब्रों में उनके जिस्म कहाँ गए? और ऐसा किसी हदीस और रिवायत से साबित नहीं है कि वो जिस्मों समेत कब्रों से निकल आए थे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी अपनी कबूर से अपने असल अजसाद मुबारक के साथ निकल आए थे और बनफ्स नफीस अपने मुबारक असली जिस्मों के साथ सफ़ों में खड़े थे, आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर लें, नहीं है। अब दो इम्कान हो सकते हैं, कितने? एक इम्कान ये हो सकता है कि फ़कत मुकद्दस अरबा थी उनकी और वो मुक्तदी थी, ये और ये हक है। दूसरा ये इम्कान हो सकता है कि अरवा अजसाद मिसाली या उनको मिल गए, मिसाली जिस्म मिल गए, अल्लाह पाक ने दे दिए, तो उनकी रूहें थीं मगर मिसाली अजसाद की शक्ल में, मिसाली जिस्मों की शक्ल में। जो मिसाली जिस इमेजेस होते हैं, इमेजेस हो जाते हैं, बस इन दो में से एक इम्कान है, पहले वाला नहीं है। अब जो नुक्ता यहाँ समझाना चाहता हूँ, इन एनी केस अम्बिया अलैहिस्सलाम खा अजसाद मिसालिया के साथ हों, यानी मिसाली जिस्म के साथ खड़े थे और खा मुजर्रद रूहों के साथ खड़े थे, दोनों सूरतों में उनकी मुकद्दस अरबा थी, दोनों सूरतों में मुकद्दस अरवाह थी जो नमाज पढ़ रही थी आका अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में, और आका अलैहिस्सलाम जब आगे खड़े थे वो खाली रूह नहीं थी, वो जिस्म के साथ खड़े थे। अब ये बात समझें, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अंबिया अलैहिस्सलाम सारे अपनी मुकद्दस अरवाह के साथ, रूहों के साथ खड़े, उनकी अरवाह अंबिया है और अरवाह अंबिया की इमामत जसद मुस्तफ़ा करवा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक, ऑफ कोर्स रूह मुबारक अंदर है, जिस्म रूह इकट्ठा है, जब हम जसद मुबारक की बात करते हैं तो रूह समेत है। अंबिया की अरवाह रूहें मुक्तदी और इमामत आका अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक के साथ हुजूर फरमा रहे हैं, ये बात आप समझें। अब इमाम मुक्तदियों से अरफा और आला होता है, इमामत अरफाइयत और अफदलियत से होती, आला मुकाम होता है। इमामत आका अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ फरमा रहे हैं, मुक्तदी अंबिया की रूहें, इससे मेरी समझ में यह बात आई है, मैंने जिंदगी में कभी किसी किताब में पढ़ा नहीं, पहली बातें भी नहीं पढ़ी, किताबी नहीं है पहली बातें भी, मगर यह बात भी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, वो ये कि अरवाह अंबिया मुक्तदी हों और आका अलैहिस्सलाम अपने जसद मुबारक के साथ इमामत करवाएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आका अलैहिस्सलाम का जिस्म भी अंबिया की रूहों से अफजल है। यह बात कहना चाहता हूं, मेरी समझ में यह बात आई है जो मैंने अख्ज किया है अल्लाह की तौफीक से कि आका अलैहिस्सलाम की बशरियत भी, पैकर बशरी जिस्म मुबारक भी अंबिया की रूहों से अफजल और अरफा वाला है और ज्यादा मुनव्वर है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में यूं कहूंगा कि आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर भी अंबिया की रूहों से ज्यादा लतीफ है। जिस्म अतहर यानी आपका पैकर बशरी भी
अंबिया की मुकद्दस रूहों से ज्यादा लतीफ है। इसलिए अंबिया की मुकद्दस अरवाह मुक्तदी हैं और आकल इस्लाम अपने जिस्म अक्दस के साथ इमाम है। तो गोया इससे एक नुक्ता और जो मैं अख्ज़ कर पाया हूं और समझ पाया हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को, जो बशरी पैकर है, जो पैकर है बशरियत है, जिस्म अतहर, उसको इतनी नूरानियत, इतना नूर दिया है जिस्म को कि वो अंबिया की रूहों के नूर से भी ज्यादा ताकतवर है। और याद रख लें, रूह खुद नूर होती है। बोले रूह खुद नूर होती है, रूह मादी शय नहीं है, रूह नूर होती है। और फिर अंबिया की रूह है नूरुन अला नूर, नूरों से अफजल नूर अंबिया की रूह है। और अंबिया की रूहें जो आला दर्जे का नूर हैं, उनकी इमामत आका अलैहिस्सलाम का पैकर बशरी करवाए, जिसमें मुबारक उनकी इमामत करवाए, तो पता चला कि हुजूर की बशरियत भी अंबिया की नूरानियत से आला है। और आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को इतनी लताफत और इतनी नूरानियत हासिल है कि जिसको अंबिया की मुकद्दस रूहें भी उस तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इस काबिल हुए कि जसद मुबारक से उनकी मुकद्दस रूहों को इमामत करवा लें, उनकी मुकद्दस रूहों को। और ये फिर दूसरा, ये आपका मुकाम व मर्तबा भी है, ये आपका मुकाम व मर्तबा भी है कि अव्वलीन व आखरीन तमाम अंबिया और रसूल आका अलैहिस्सलाम की इक्तदा में और इमामत में नमाज पढ़े, तो आका अलैहिस्सलाम का दर्जा क्या। इससे एक चीज और जो मेरी समझ में आई है वो ये कि आका अलैहिस्सलाम का इससे देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो जिस्म अकदस है, पैकर बशरियत है, उसकी हैयत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, जो अंबिया की अरवाह से भी बुलंद व बाला है, तो उस पैकर बशरी का और जिस्म अतहर का अपना हाल क्या है। तो मैं ये महसूस करता हूं जो कुछ कुतुब में पढ़ा, नुसूस को देखा, तशरीहात को देखा, तावीलात को देखा, ताबीरात को देखा, कुरान व सुन्नत और फिर सलफ़ सालेहीन और औलिया और अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन की तसरीहात से जो कुछ अख्ज़ किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो बात अब कह रहा हूं ये मैंने चूँकि किसी की पढ़ी नहीं कि मैं उसको नकल करूं, तो मैं उनका नाम ले दूंगा फिर, अगर ले देता, अगर पढ़ी होती तो। अगर इसमें गलती है तो मेरी तरफ ही मनसूब करें चूँकि मैंने अख्ज़ किया। अगर इसमें सेहत है, अच्छाई है, तो उन अकाबिर औलिया आइम्मा की तरह मंसूब करें जिनकी शागिर्दी है हमें, जिनसे सीखते हैं, जिनको पढ़ते हैं और खैरात लेते हैं, जिनसे इस राय में अख्ज़ करने में अच्छाई लगे तो ऊपर मंसूब कर दें, कोई कमज़ोरी लगे तो मेरी तरफ मंसूब करें। इसलिए मैं कह देता हूँ कि ऐसी बात समझ में आई कि आका अलैहिस्सलाम की बशरियत मुकद्दसा मुझे लगता है कि वो जो आपका जिस्म अकदस है, आपका जिस्म अकदस वो मुरक्का था बशरियत और नूरानियत दोनों चीज़ों का। आपका जिस्म अकदस फकत बशरी नहीं था। अब आप समझिए कि क्या आपको बता रहा हूं, जसद अकदस जिस्म मुबारक फकत बशरी पैकर नहीं था, बशरी पैकर भी था और मुरक्का नूर भी था, वो बशरियत और नूरानियत दोनों का मुरक्का था। इसलिए अब आप इस नुक्ते को समझ के जब मुताला करेंगे और समझेंगे तो आप पर बात खुल जाएगी। इसलिए आपके जिस्म अकदस पर बशरी खवास भी थे और आपके जिस्म अकदस में नूरानी खवास भी थे, ऐसी खासियतें भी थी जो बशरी खासियतें होती हैं और ऐसी खासियतें भी थी जो बशर की नहीं होती, वो नूरानी खासियतें होती हैं। बात को समझे। मसलन अब जब तक ये नुक्ता आपके जहन में बैठ गया
अब मिसालों से आप समझ जाएंगे, मिसालें मालूम है आपको, जब जोड़ेंगे इस नुक्ते को तो मिसालों के साथ तो बात खुल जाएगी। आपने सुना है, पढ़ा है कि जिस्म अकदस का साया नहीं था। अब साया न होना ये बशर की खवास में से नहीं, ये नूर के खवास में से, और जिस्म का साया होना ये बशरी खवास में से है। तो साया जिस्म हो ये बशरी पहलू है, और साया ना हो ये नूर का पहलू है। जिस्म का आलम यह था, जिस अजदस का आलम यह था। इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम के हुस्न की कोई मिसाल न थी। जिस्म अकदस से एक और मिसाल देता हूं, पसीना निकलता था, पसीना आता था, तो जिस्म पर पसीना आए यह बशरी खवास में से है कि पसीने का आना बशरी खवास में से है, मगर पसीने में खुशबू आए यह बशरी खवास नहीं, नूरानी खवास में से है। कोई पसीना किसी बशर का ऐसा नहीं हो सकता जिसमें थोड़ी या ज्यादा स्मेल ना हो। जब पसीना आएगा, भले जिस्म में हो, बगल में हो, कहीं हो, या कपड़ों पे जाए, तो उसमें स्मेल आएगी। ये बशरी खवास है। तो पसीने का आना बशरी हिस्सा था, और उसमें स्मेल का ना आना बल्कि खुशबू आना ये नूर का हिस्सा था। आप समझे बात, किस तरह दो चीजें जमा थी, किस तरह दो चीजें जमा थी। और जो खुशबू आती पसीना मुबारक से, वो खुशबू लगाए बगैर आती। कोई कहे कि आप खुशबू लगाते थे, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दुरुस्त है, मगर ये साबित है आदि से सैया से कि बिदून खुशबू, खुशबू लगाए बगैर भी जिधर से गुजर जाते फिजाएं मुअत्तर हो जाती। ठीक है, ये इस नुक्ते पर चूंकि फिर इर्तकाज नहीं कर रहा, वरना फिर सारी रात इसी एक नुक्ते पर वजाहत करने लगे तो पता नहीं दो रातें गुजर जाएं एक नुक्ते पर। इसलिए ऐसे एक एक दो दो मिसालें दे के गुजर रहा हूं। इसी तरह एक और खासियत बताता हूं, सिक्रीशंस आपके जुबान दहन मुबारक में, मुंह मुबारक में होती, जिससे लुआब दहन बनता है, थूक बनता है, हमारा थूक बनता है। तो आका अलैहिस्सलाम का भी लुआब दहन बनता, तो लुआब दहन का बनना, लुआब दहन का बनना ये बशरी खवास में से है, मगर उसमें जरासीम का ना होना नूर के खवास में से है। लुआब दहन का बनना बशरी खवास में से है, मगर उससे बीमारों को शिफा हो जाना ये नूर के खवास में से है। आपके और मेरे लुआब से नहीं हो सकता, उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया कहां चले गए, वो नूर में गुम हो गए। लुआब दहन बना ये बशरी खवास है, और बैक्टीरिया नहीं हुए, शिफा आ गई, ये नूर आलम नूर के खवास में से। इस तरह बहुत सारी बीसियों मिसालें, बीसियों आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा और आपके फजाइल में मौजूद हैं, मालूम हो सकती हैं। बस मैं चंद एक मिसालें देते हुए आगे बढ़ा दिया बात। इससे मैं ये समझ पाया हूं कि जिसमें अकदस बशरियत और नूरानियत, जिसमें अकदस ही दोनों का मुरक्का था। देखिए एक चीज जो मैंने पहले 80s के जमाने के खिताबात में कही, 80 की जो दुहाई थी उसके खिताबात में एक चीज आपको मिलती है, उलमा से भी सुनते हैं, किताबों में भी आता है कि आका अलैहिस्सलाम की शानें हैं अलग अलग, बशरियत की भी शान है, नूरानियत की भी शान है, और हक्कानियत की भी शान है। ये सुन रखा है ना आपने, वो अलग बात है, ये जो आज कह रहा हूं ये अलग बात है। बशरियत अकदस की शान जिस्म अतर से मुतालिक, नूरानियत की शान आपके नूर से मुतालिक, हक्कानियत और मजरियत की शान आपकी हकीकत से मुतालिक, ये सब्जेक्ट अलग था जो पहले कई बार बयान किए और आप उम्र भर सुनते रहे। आज मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नई बात कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि दो शानें बशरियत और नूरानियत की दोनों ही आका की जिस्म अकदस में जमा थे, दोनों जिस्म अकदस में जमा थे। अब यहां से एक और चीज समझाना चाह रहा हूं, एक नुक्ता और आगे बढ़ते हैं। सोचिए अगर बशरियत की शान और नूरानियत की शान दोनों आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर में हो, तो दोनों शानें तो जिस्म में आ गई, तो जब रूह पर पहुंचे तो आलम क्या होगा।
बात को समझे। एक जिस्म है आका अलैहि सलाम का जिस्म अथर, और जिस्म की मेराज का ये पहला मरहला है जो हम बयान कर रहे हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इसमें सारा सफ़र रहा तो सारा सफ़र जिस्म अकदस के साथ, जिस्म अकदस के साथ। मगर याद रख लें कि सफ़र के तीनों मरहलों में हर एक मरहला आका अलैहि सलाम की ज़ात अकदस के एक एक हिस्से के लिए ख़ास था, ताकि उस मरहले में उस हिस्से को मेराज पर पहुंचाया जाए। वैसे तो तीनों मरहलों में जिस्म अकदस रूह मुबारक इकट्ठे रहे, इस पर हम इब्तदाई गुफ्तगु बड़ी खूबसूरत कर चुके हैं ना। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि बेशक अव्वल ता आखिर जिस्म और रूह इकट्ठे रहे, मगर मेराज के तीन जो मरहले हैं इसरा और मेराज, मस्जिद अक्सा तक एक और सिदरतुल मुंतहा तक दूसरा, और उससे आगे मुकाम काबा कौसैन ओ अदना तक तीसरा। ये जो तीन हिस्से हैं सफ़र के, इनमें से हर एक हिस्सा आका अलैहि सलाम की ज़ात अकदस की एक एक शान को अलग अलग मेराज करवाने के लिए था, उस ख़ास शान के लिए ख़ास था। तो गोया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे तो ये जिस्म आखिर तक रहा, मगर बतौर ख़ास जिस्म की मेराज थी, बतौर ख़ास जिस्म की मेराज थी कि जब जिस्म मुसल्ले पर इमामत करवा रहा है और अंबिया की रूहें मुक्तदी बन के खड़ी हैं, ये जिस्म की मेराज थी। और मस्जिद अक्सा से जब आगे गए सिदरतुल मुंतहा तक तो आका अलैहि सलाम की रूह मुबारक की मेराज थी, हालांकि वहां भी जिस्म साथ था, और जब जिस्म की मेराज थी तो रूह साथ थी, जिस्म और रूह जुदा नहीं हुए कहीं भी। मगर पहले हिस्सा मेराज में फोकस कहते हैं, क्या फोकस, जिस्म अथर के जो लताइफ हैं आका के, जिस्म पाक के जो लताइफ हैं और जिस्म पाक की जो शानें हैं और आपके जिस्म अकदस की जो खासियतें हैं और उसके जो मर्तबे हैं, उन्हें मेराज पर पहुंचाना मकसूद था। वो जिस्म जो मैंने कहा कि जिस्म के अंदर भी बशरियत और नूरानियत दोनों जमा थे, जिस्म का समझाया ना कि जिस्म की ये शान थी, लुआब दहन में शिफा थी और पसीना में खुशबू थी और जिस्म का साया न था, ये जो जिस्म के खवास हैं इन जिस्म के खवास को मेराज कराना मकसूद था। अल-कुद्स से जब आगे चले तो आका अलैहि सलाम के जिस्म को मेराज हो गई थी, उस जिस्म की मेराज हो गई थी। और जब अल-कुद्स से मस्जिद अक्सा से आगे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जब सिदरतुल मुंतहा को आका अलैहि सलाम ने छोड़ा तो आपकी रूह अकदस की मेराज हो गई थी। अब ये जो मर्तबे हैं, बशरियत का मर्तबा, नूरानियत का मर्तबा, रूहानियत का मर्तबा, ये जो इंसान मरातब को देखता है मुख्तलिफ, फरिश्तों का नूरानियत का मर्तबा है, इंसानों का बशरियत का मर्तबा है, फिर अल्लाह वालों की रूहानियत का मर्तबा है, भाई ये सारे मर्तबे तो आका अलैहि सलाम के जसद अकदस में गुम हो गए, ये तो जसद मुबारक में आ गए सारे। अब जब आका अलैहि सलाम का रूह का मरहला मेराज आता है जिसमें जिस्म साथ था मगर दूसरे मरहले में फोकस रूह मुबारक पर था, मोहम्मद एंड स्पिरिट पर था, पहले मोहम्मद एंड बॉडी पर फोकस था, पहले फोकस आपकी बॉडी पर था, अब फोकस आपकी स्पिरिट पर, सोल एंड स्पिरिट पर फोकस है। जब रूह पर फोकस हुआ मेराज का, और फोकस से मुराद उसका भी फोकस है ना जो ले जा रहा है, वो जो ले जा रहा है, पहले मरहले में फोकस इस चीज पर था कि जिस्म के लताइफ और मुकामात को मेराज हो जाए, दूसरे मरहले में फोकस रूह मुहम्मदी पर था कि उस रूह मुहम्मदी के लताइफ को मेराज हो जाए। तो जब सिदरतुल मुंतहा से आगे गुजरे तो जिस्म और रूह सब के लताइफ की मेराज हो गई थी। अब जो चीज इंसानी समझ में आने वाली है वो खत्म हो गई यहां, इससे आगे इंसान क्या समझेगा, इससे आगे क्या समझेगा। तो मैं इसको आपके लिए यूं समझाता हूं,
کہ پہلے مرحلے پر جسم کا معراج ہو رہا ہے، دوسرے مرحلے پر آپ کے قلب کا معراج ہو رہا ہے، قلب محمدی کا معراج ہو رہا ہے. اور قلب پر جو واردات ہوتی ہیں، دل پر جو واردات ہوتی ہیں ان کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے احوال کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے مقامات کا معراج ہو رہا ہے. اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور قاب قوسین او ادنا تک گئے، تو وہاں قلب، جسم و قلب کے معراج ہو چکے تھے، اب آقا علیہ السلام کی روح کا معراج شروع ہوا ہے. وہاں سے روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے، روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے. جسم جب معراج کی طرف جاتا ہے انسانی زندگی میں، جسم روحانی معراج کی طرف جاتا ہے جسم، تو کم کھاتا ہے جسم، اور کم کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے. یہ اس کی معراج کا سفر ہے. کم سوتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. جسم میں لطافت آنے لگتی ہے، جسم میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، جسم کے شمانی حصے مغلوب اور کمزور ہونے لگتے ہیں. جو جسم کی طلبات ہیں، طلب ہے جسم کی، جسم کی جو ضروریات ہیں، ان میں کمی آنے لگتی ہے، اور جسم ان سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا بے نیاز ہونے لگتا ہے. تو جب جسم ان چیزوں سے بے نیاز ہونے لگے اور ان کی محتاجی سے نکلنے لگے، تو سمجھیں جسم اپنے روحانی معراج کی طرف جا رہا ہے. اور قلب، اس کے بھی خواص ہیں. قلب رغبت رکھتا ہے، دل محبت کرتا ہے، یا حرص کرتا ہے، یا لالچ کرتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا زہد رکھتا ہے، یا بے نیاز ہوتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا اس میں اخلاص ہوتا ہے. تو دل کی اپنی اچھی بری خاصیتیں ہیں. تو دل اگر ان بری خصلتوں سے نکلنے لگے اور توکل کی طرف جانے لگے، یقین کی طرف جانے لگے، قلب دل، اور اللہ کی محبت کی طرف جانے لگے، تو جب دل ان خاصیتوں میں بڑھنے لگتا ہے، تو اسی انسانی زندگی میں سمجھیں اس کے دل کو معراج کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس کے دل کا سفر معراج شروع ہو گیا ہے، اور روح اس سے آگے عالم جبروت کی چیز ہے. تو روح جب ہے، تو روح کی کیا خوراک ہے؟ جس کے ساتھ روح آگے بڑھتی ہے، وہ اللہ کی قربت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے. تو جب روح میں اللہ کی معرفت اور قربت اور رضا، یہ چیزیں بڑھنے لگیں، روح میں معرفت اور قربت بڑھنے لگے، تو سمجھیں روح معراج کی طرف جا رہی ہے. یہ میں نے چند اشارے کیے. تو جیسے جیسے معراج کے مرحلے بدلتے گئے، ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس کے ہر ہر گوشے کے معراج اپنے کمال پہ پہنچتے گئے، اپنے کمال پہ پہنچتے گئے. اور جب قاب قوسین او ادنا کا مقام آیا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ، اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، جب اس مقام پر اللہ کی معیت خاصہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر جا پہنچے، تو بتائیے یہاں اس دنیا میں اللہ کسی سے دور ہے؟ بولیے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ تو ہماری شاہرخ سے زیادہ قریب ہے، تو آقا علیہ السلام سے کتنا قریب ہوگا؟ اللہ تو ہماری شاہرخ سے زیادہ قریب ہے، ہم سے، ہماری شاہرخ سے زیادہ قریب ہے. تو اپنے محبوب مکرم کے ساتھ اس کے قرب کا عالم کیا ہوگا، کتنا قریب ہوا. تو وہ رب جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا قریب ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا، تو جو ہر وقت آقا کے ساتھ ہوتا ہے، غار میں بھی تھے تو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں بھی تھے، غار ثور میں، تو فرمایا اللہ ہمارے. تو جب اللہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ السلام سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، وہ اپنے بندگان مومنین سے جدا نہیں ہوتا، اپنے انبیاء و مرسلین سے جدا کیسے ہوگا؟ تو جب حضور کے اتنا قریب تھا، تو وہ کون سی قربت تھی جس کے لیے حضور وہاں گئے؟
सोचना होगा, यहां जो हर वक्त करीब हैं, वो अगर यही कुर्बत थी, यही कुर्बत जो जमीन पे मुयस्सर है, तो ये कुर्बत लेने के लिए काबा कौसैन पर जाने की क्या जरूरत। ये बात समझने वाली है, कोई अछोती कुर्बत है तो रब यहां से वहां ले गया, कोई निराली कुर्बत। और हम मजलिसी अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उनका हम नशीन होता हूं। तो अल्लाह तो यहां भी अपने जाकिरों का, जिक्र करने वालों और अपनी इबादत करने वालों का हम नशीन होता है, और फिर आका अलैहिस्सलाम के साथ उसकी हम नशीनी का आलम क्या होगा। वो रब जो यहां हम नशीन है, वहां कौन सी हम नशीनी लेने गए। जो यहां आका की सुनता और देखता है, वहां कौन सी चीज सुनने और देखने के लिए गए। जो यहां करीब है, वहां कौन सी कुर्बत के लिए गए। अगर समझें कि उसका माना यहां की कुर्बतों से अलग नहीं है, तो फिर सफर मेराज बेकार हो जाता है, बेमाना हो जाता है। अगर आप मेरी बात समझें, अगर जिस नौयत की कुर्बत मानवी, मैं खास बात कह रहा हूं, कुर्बत मानवी, मानन अल्लाह करीब है, जिस्मानी तौर पे तो नहीं है ना, जिस्म से पाक है, कुर्बत मानवी, मानवी हम नशीनी, मानवी अल्लाह की हम मजलिसी, मानवी मैयत, मानवी मदद, मानवी नुसरत, ये जो मानन और रूहानियतन सब अल्लाह की इनायात उसके बंदों पर यहां हैं, अगर इन्हीं इनायात का माना लेना है तो जिब्राइल को भेज के वहां कौन सी इनायात, वहां क्या जरूरत, जरूरत क्या है। ये मानना होगा, और इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है कि अगर कुर्बत के लिए गए तो वो कुर्बत यहां की कुर्बत से कोई जुदा थी, इससे जुदा थी वो कुर्बत। अगर हम नशीनी के लिए गए तो वो हम नशीनी इस दुनिया की हम नशीनी से जुदा थी। अगर दीदार के लिए गए तो वो इस दुनिया की कल्बी रोयत, दिल का जो दीदार करना, उससे जुदा था। और उसके साथ, उसके सामने बैठकर हम कलाम होने के लिए गए तो वो कलाम तो हर रोज कुरान की सूरत में यहां भी करता था, इस हम कलामी से जुदा थी। अगर यहां और वहां को एक जैसा बना देना है तो मेराज बेमकसद हो जाती है, बेमकसद हो जाती है। लिहाजा सब कुछ जो वहां मिला वो था जो यहां के हिस्से में नहीं होता, जो वहां मिला वो था जो यहां के हिस्से में नहीं हो जाता। और अब बात खत्म करना चाह रहा हूं, तो आखिरी बात जो कहना चाहता हूं कि जो इनायात वहां थी वो इनायात हैं जो यहां नहीं, बोलिए, हो सकती। अगर यही जो मानवी इनायात का तसव्वुर यहां पर है, अगर यही माना लेना है तो मेराज का मकसद फौत हो जाता है। वो इसको तहसील हासिल कहते हैं, ला हासिल है, कोई मकसद नहीं रहता। लिहाजा वो खास इनायात हैं जो आका अलैहिस्सलाम के लिए वहां की खास थी। तो आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, ये समझ लें, जो वहां था और वहां बुलाकर जो देना था, और वहां बुलाकर जो आका अलैहिस्सलाम का हाल करना था, और वहां बुलाकर जो आका को मुकाम देना था, और वहां बुलाकर आका अलैहिस्सलाम को जो कुछ बनाना था, जो वहां था अगर वो यहां होता तो वहां बुलाया न जाता, सो वो यहां न था इसलिए वहां बुलाया। और जब वहां से पलटे और यहां आए तो हमारे लिए ये सारी कायनात यहां रही, आका अलैहिस्सलाम के लिए ये यहां भी वहां बन गया, ये यहां भी वहां बन गया। जाने से पहले ये यहां था और काबा कौसैन वहां था, जब पलट के आए तो हुजूर जिधर जाते वहां साथ रहता है। वापस आने के बाद आका अलैहिस्सलाम ऐसा कुछ हो गए थे कि जहां रहते जहां जाते फिर वो यहां ना रहते, वहां साथ रहता, फिर वो आखिर वक्त तक वहां में रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वहां का हिस्सा हमें अता फरमा दे, आका अलैहिस्सलाम के जोड़ों के तुफैल।
وما علينا إلا البلاغ